गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है एक न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं, देखिए मैं हूँ और यहाँ सभी लोग हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? राजगीर जा रहे हैं हम लोग कुंड स्नान के लिए। तो इसका भी प्लान बना हुआ नहीं था पहले से, अचानक ही बन गया। अचानक ही फ़ोन किए 5 बजे और बोलते हैं कि चलो। तो हम लोग अभी रेडी होकर आ गए हैं। अच्छे से तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, जो भी है आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए मोबाइल में भी ये ट्रेन ही देख रहे थे कि कितने बजे की है। तो ट्रेन हम लोग की 6:30 की है और हम लोग 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पर अभी सभी लोग बात कर रहे हैं। टिकट 50 रुपया आप लोग तो टिकट के बारे में बातें हो रही थी। तो आप लोग सभी लोगों को पता ये चल गया होगा कि यहाँ से मतलब पटना से राजगीर का भाड़ा है 50 रुपया, एक आदमी का 50 रुपया टिकट लगता है। और ये हमारी ट्रेन आ गई है। कहाँ गए हैं? राजगीर स्टेशन। राजगीर स्टेशन पर आ गए। तो लगभग यहाँ हम लोग 11:15 बजे पहुंच गए थे, समझे कि 11:30 हो रहा होगा। तो यहाँ पर पहुंच गए थे हम लोग राजगीर स्टेशन पर। अभी उतर चुके हैं और यहाँ पर स्टेशन पर भी काफ़ी संख्या में भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग। इतने सारे लोग अभी उतरे हैं एक ही ट्रेन से, देख सकते हैं कितनी भीड़ होगी ट्रेन में और बहुत ही संख्या में भीड़ है। और अभी हम लोग चलिए यहाँ पर राजगीर स्टेशन पर तो पहुँच ही गए हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर 12 बजे के बाद थोड़ा सा स्नान वगैरह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो नहीं खाएंगे, तो पहले ही खा लेते हैं। खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चल रहा है, गरिया को बैठ कर पहुँचा देता हूँ। चलो फटाक से बैठा। आइए दीजिए इधर, पहले पानी मांगेगा। तो यहाँ पर खाने में आप लोग देख सकते हैं, देखिए दाल चावल और चने आलू की सब्जी है बिना लहसुन प्याज का। तो बहुत ही अच्छा खाना है। इसका प्राइस मतलब इसका दाम है 30 रुपये। तो 30 रुपये में आपको दाल चावल और सब्जी दे रहा है खाने के लिए, जो ज़्यादा महंगा नहीं है। और यहीं पर देखिए सोने की व्यवस्था भी है, रात में आराम करने की व्यवस्था है यहीं पर, देखिए देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम लोग खाना पीना खाकर ये रिक्शा मतलब कि ये बात कर रहे थे यहाँ से कुंड जाने के लिए। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं, अब चलते हैं यहाँ से सीधा कुंड में, मतलब कुंड के पास जाएंगे, कुंड में तो नहीं जाएंगे। और यहाँ से बता देते हैं कि यहाँ से एक आदमी का भाड़ा लगता है 30 रुपया। तो स्टेशन से कुंड के पास पहुँचाने के लिए एक आदमी का 30 रुपये भाड़ा है। तो बैठे बैठे सभी को चाय पीने की इच्छा हो गई थी। तो देखिए हम लोग सभी लोग चाय पी रहे हैं। ये इसको क्या कुल्हड़ वाली चाय बोलते होंगे शायद, क्योंकि ऐसे तो मैं कभी पी नहीं हूँ, घर में ही पीती हूँ तो बाहर नहीं पीती हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, कुल्हड़ वाली चाय बोलते होंगे और क्या बोलते होंगे। तो पीने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और अभी हम लोग लगभग 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक यहाँ पहुँच गए हैं। तो खाना पीना तो हो गया था लेकिन चाय सभी लोग पी रहे थे, तो मैं भी पी रही थी। और अब यहाँ से हम लोग को सीधा लेकर चले गए हैं मेले में। तो स्नान तो पहले बोले कि बाद में करेंगे, पहले मेले में ही हम लोग को लेकर चले गए हैं। जैसे जैसे मेरे को लेकर जा रहे हैं वैसे वैसे मैं भी जा रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए आपको मेला ही यहाँ का घुमा देते हैं, कैसा यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद आपको कुंड का मतलब व्यू दिखाएंगे, कैसे कुंड में स्नान वगैरह हो रहा है, क्या है यहाँ पर व्यवस्था। तो चलिए चलते हैं घूमने के लिए। न्यू कोलकाता के मीना बाजार में चलो, वहीं से भी
चलिए मेला घूम लिए हैं और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुंड के पास, ये देखिए। और यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में भीड़, आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है कुंड स्नान करने के लिए। कुंड स्नान कितना लंबा लंबा लाइन लगा है, कितना लंबा लंबा लाइन तो अभी काफ़ी दूर चलना है इसी तरह, और काफ़ी लाइन अभी लगना है, लाइन क्योंकि काफ़ी लगी हुई है। यहाँ पर अभी कोई नहीं है क्योंकि सभी लोग लाइन में लग चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। तो अभी इसी तरह घूमते हुए जाएंगे। तो अभी वीडियो को अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को मैं रखती हूँ यहीं पर, और मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह आप लोग स्नान कर किए हैं और किस तरह क्या यहाँ सुविधा है, सभी कुछ मैं दिखाऊँगी दूसरे पार्ट में। तो वीडियो को अब रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।